हाय, सॉरी मुझे लेट हो गया थोड़ा। एक्चुअली कैमरा सेटिंग नहीं हो पा रहा था, लाइट आ रहे थे विंडो से तो कॉल टू विंडो। हेलो पायल जी, सो टेक अ मोमेंट एंड प्लीज शेयर द वीडियो। हेलो मोनिका जी, वेलकम टू आरती क्रिएशन। हेलो अदिति जी, सो हेलो प्रतिमा जी, हाउ आर यू ऑल। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना अभी, और मैं ऐसे धूप में आके एकदम लोगों को सोने भी नहीं दे रही हूँ। हेलो सोनल जी, हेलो ज्योति जी, हेलो सोनी जी, प्लीज एक बारी वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा रेसिपी है क्ले का, बाकी भी लोगों को फायदा होगा थोड़ा। पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार वो देख लेते हैं। सी, आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर दिस। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये टेक्सचर्ड वर्क है पूरा। यस मोनिका जी, आई नो यू वेर वेटिंग फॉर दिस। इनफैक्ट मेनी ऑफ पीपल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द रेसिपी, सो हियर आई एम। सो दिस इज लॉर्ड शिवा का है, ये एब्स्ट्रैक्ट है पूरा। इसमें पूरा 3D वर्क किया हुआ है और टेक्सचर्ड डला हुआ है पूरा, आप देख सकते हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर शेयर कीजिए एंड शो मी सम लव एज वेल। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, बहुत सुंदर लगेगा। आप भी बनाइए अपने घर के लिए भी। और इसकी डिटेल्स जो है, इसके साथ एक और पेंटिंग है जो बुद्धा का है। दोनों भी टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है एक मेक से। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा चेंज है दोनों में, कलर शेड एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। हेलो पारुल जी, हेलो जागृति जी, हेलो शिखा जी, सो आप ज्वाइन कीजिए इसको। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एंड आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, सो आई विल शो यू द अनदर वन ऑल्सो। सी दिस इज बुद्धा। पसंद आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। सी अभी दिखाई दे रहा है पूरा, ये भी पूरा अगर आप देख पा रहे हो, मैंने फोटो ग्रुप पे शेयर किया है, पेज पे भी शेयर किया है। आप देखिए पूरा पूरा टेक्सचर्ड है, ईच एंड एवरी पार्ट हियर इज अ टेक्सचर्ड वन। सो यू कैन सी कलर कॉम्बिनेशन एंड द फॉइल वर्क एवरीथिंग, और बहुत इजी है आई मस्ट से कि जितना अच्छा ये बना है। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू पायल जी, जितना अच्छा ये मैंने बनाया है उतना ही अच्छा ये आपका भी बनेगा, इस बात की गारंटी मेरी। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल भी एक फ्रैक्शन भी इसको ये नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज बुद्धा, टेक अ मोमेंट एंड डू शेयर द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो माया जी, हेलो प्रतिमा जी, लेट्स स्टार्ट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। हम इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले थैंक यू रीता जी। सो दिस इज कॉर्नफ्लोर, जो कि डब्बे में है लेकिन कॉर्नफ्लोर ही है डेफिनेटली। एंड अनदर वन इज फेविकॉल, जैसा कि हम लमासा क्ले में यूज करते हैं, सेम टू सेम। आप कोई भी व्हाइट ग्लू यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, स्कूल ग्लू भी, कैमलिन का भी, कोई भी यूज कर सकते हो। सो दैट ग्लू, देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज वैक्स। अगर आपके पास वैक्स नहीं है, थैंक यू मोनिका जी, अगर आपके पास वैक्स नहीं है तो कैंडल तो है।
सो वी कैन यूज कैंडल ऑल्सो. सिंपली आप इसको ग्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा बारीक कर लीजिए. सो दिस कैंडल, देन विनेगर. एंड थैंक यू आशा जी. वैसलीन, देन ये वैसलीन तो अभी सभी के घर में पड़ा होगा, सर्दियां जस्ट अभी अभी गई है, तो यू कैन हैव, यू मस्ट बी हैविंग दिस वैसलीन पेट्रोलियम जेली. हम लोग ठंडी में यूज करते हैं इसको. एंड ग्लीसरीन एज वेल. ठीक है, सो वेलकम टू आरती क्रिएशन. बिग हाई टू ऑल द मेंबर्स हु आर वॉचिंग. प्लीज शेयर, टेक अ मोमेंट एंड शेयर द वीडियो. ये ग्लीसरीन है, ग्लीसरीन भी हम लोग ठंडियों में यूज करते हैं वो. एंड लास्टली लोशन फॉर नीडिंग. यू कैन यूज ऑयल एज वेल, लेकिन लोशन थोड़ा चिपचिपा कम होता है, तो हम लोग लोशन या एनी बॉडी क्रीम, जो भी क्रीम है आपके पास, वो आप यूज कर सकते हो. एंड दिस मेजरिंग स्पून्स. ओके, मेजरिंग स्पून्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर मेजरमेंट. और परफेक्ट क्ले मेकिंग भी उसी पे डिपेंडेंट है. आप कोई भी, जरूरी नहीं कि मेजरिंग स्पून लो, आप कोई भी घर की कटोरिया वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर साइज की, सेम साइज की लो, तो उससे क्या होता है कि क्ले बनने के या खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं. या फिर कभी होता है किसी का टूट रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, तो वो सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं. नाउ ये मेजरिंग स्पून्स में ये सबसे बड़ा वाला होता है, जिसको हम 1 कप बोलते हैं. मैं हाफ कप के साथ रेसिपी बता रही हूं आपको, उससे थोड़ा छोटा वाला ये हाफ कप है. ओके, सो ये हाफ कप हमने लिया, इसमें मैं हाफ कप फुल भर के, बेसिक पूरा का पूरा, और ऐसे दबाना नहीं है बहुत. शिट, एकदम हिप भी नहीं लेना है और बहुत ऐसा प्रेशराइज करके भरना भी नहीं है इसको. थोड़ा थोड़ा एकदम हल्के हाथ से, और ये और जाएगा इसमें थोड़ा. सी आई हैव टेकन दिस मच, ये हाफ स्पून फुल ऑफ कॉर्नफ्लोर, ये हम डालेंगे इसमें. देन ये जो है ब्लू वाला, ये सबसे छोटा स्पून है, सबसे छोटा वाला स्पून है. सो ये वाले स्पून से हम लेंगे वैक्स. वैक्स जो मैंने यहाँ पे मैंने भी कैंडल ही लिया है, और ये ग्रेटेड करके रखा हुआ है कैंडल यहाँ पे. सी आप देख सकते हो इसको, मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है. तो ये कैंडल या वैक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेना है आपने. सी सबसे छोटा वाला जो स्पून है उतना, और ये वैक्स लेके इसमें डाल देना है. देन आफ्टर विनेगर. विनेगर जस्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, इसका कोई खास रोल नहीं है क्ले मेकिंग में. हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, और 1 टीस्पून ही ये लेना है. जितना आपने वैक्स लिया है एग्जैक्टली उतना ही आपने विनेगर लेना है. एंड एक चीज मैं बताना भूल गई थी, ऑयल. ऑयल ऑल्सो यू हैव नीड टू एड इन द क्ले. सो इफ यू हैव अ कोकोनट ऑयल देन ओके, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो यू कैन गो विद द कुकिंग ऑयल, जैसे कि मैं कर रही हूं अभी. मैंने सफोला गोल्ड ऑयल लिया है, ये भी मैं 1 टीस्पून ऑफ, सॉरी उससे थोड़ा सा ज्यादा भी एड कर सकते हैं. सी ये 1 टीस्पून हो गया, टीस्पून हो गया, और मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, यानी कि 1.5 टीस्पून ऑफ. हां जी पायल जी, ये मेरा टीस्पून है. सो 1/2 टीस्पून ऑफ हमने ऑयल लिया उसके अंदर. तो देन आफ्टर दिस ग्लिसरीन. ठीक है, कहीं भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको इजीली ये ग्लिसरीन मिल जाता है. और ये जो हमने लिया था सबसे पहले, ये स्पूनफुल ऑफ कॉर्नफ्लोर, इसी कप से, इसी कप से आपने क्या करना है, अगर रेसिपी भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो.
मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, सी वन फोर्थ कप ऑफ, दिख रहा है क्या आपको ये? मैंने बहुत ही, अगर इस कप के आप फोर हिस्से कर देते हो तो सिर्फ एक हिस्सा आपने ग्लिसरीन लेना है, सिर्फ एक हिस्सा। मोर ग्लिसरीन से क्ले खराब हो जाती है, थोड़ी दरदरी हो जाती है, थोड़ा भी अगर उसको एयर लगता है तो जल्दी ये हो जाती है। सो यू हैव टू ऐड दिस ग्लिसरीन एंड लास्टली वी विल टेक फेविकॉल। वेलकम टू आर्थिक क्रिएशन। फेविकॉल भी हम एग्जैक्टली उतना ही लेंगे जितना हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। फेविकॉल और कॉर्नफ्लोर का जो रेशियो है दैट मस्ट बी 1:1। आपने दोनों भी चीजें ml का है, मेजरिंग कप कितने ml का है। ओके, ये 125 ml का है जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है प्रेमा जी, वो 125 ml का है। इस पे लिखा है हाफ कप और 125 ml। सो ग्लिसरीन आपने थोड़ा पहले अगर आप डाल लेते हो तो सिर्फ फेविकॉल ना ये इसको चिपकता नहीं है। मैंने इसलिए पहले ग्लिसरीन लिया था ताकि फेविकॉल ज्यादा चिपके ना, अदरवाइज ना वो उसी में चिपका हुआ रह जाता है ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे एक चम्मच और इसको अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे लम्प फ्री होना चाहिए, आप आराम से मिला सकते हो। क्या रिपीट करूं स्वीटी जी? हम फ्लेक्सिबल क्ले बना रहे हैं, उसमें हमने कॉर्नफ्लोर, फेविकॉल, ग्लिसरीन, वैक्स, ऑयल, प्रपोर्शन 1:1 रेशियो है फेविकॉल और कॉर्नफ्लोर का। देन आफ्टर यू हैव टू ऐड 1/4 कप ऑफ ग्लिसरीन एंड 1 teaspoon ऑफ एक सेकेंड। और भी एक चीज जो हम ऐड करेंगे वो है वैसलीन। वैसलीन 3/4 teaspoon आप ले सकते हो या 1 teaspoon भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैंने 1 teaspoon ही ले लिया है जिसमें वैक्स डाला है वो 7.5 ml लिखा है प्रेरणा जी इस पर। ये सबसे स्मॉल वाला है मेरा मेजरिंग कप का टीस्पून है, इसको हाफ टेबल स्पून आप बोल सकते हो उसको, या फिर 7.5 ml। सो यू कैन डू अकॉर्डिंगली। और ये वैक्स भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे, वैक्स नहीं सॉरी, दिस इज वैसलीन, आई एम एडिंग वैसलीन नाउ। वैक्स तो हमने पहले ही डाल दिया था, जितना वैसलीन डाला है उतना ही वैक्स डाला है, उतना ही विनेगर डाला है और उतना ही ऑयल डाला है। ठीक है, जितना वैक्स उतना ही विनेगर, उतना ही ऑयल और उतना ही वैसलीन, ये चारों चीजें एक जैसी है। 1 teaspoon, 1 teaspoon, 1 teaspoon और फेविकॉल और कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ कप लिया है, मैंने बताया था आपको इनिशियली मेरे इसमें वो हाफ कप लिखकर है, तो वो हाफ कप लिया है और 1/4 कप ऑफ ग्लिसरीन लिया है। बहुत गर्मी है यहाँ नागपुर में। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया, कहीं भी लम्प्स नहीं है इसके अंदर।
तो हम इसको बस अभी माइक्रोवन में रखेंगे। अगर अगेन द सेम क्वेश्चन, माइक्रोवन नहीं है तो कुछ नहीं करना है, तो जाके बस आपने गैस पे पकाना है इसको। और कब तक पकाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। माइक्रोवन में नीचे ही रखना है, कोई रैक वैक नहीं लगानी है अभी। 1/4 ऑफ 1/2 कप ग्लिसरीन। हां जी शशिकला जी, 1/4 ऑफ 1/2 कप ग्लिसरीन ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन मैंने ये सेकंड नंबर वाला जो स्पून होता है, सी एक सेकंड में ये स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सिर्फ माइक्रोवेव कर रही हूं, मैं इसको सिर्फ माइक्रोवेव कर रही हूं 30 सेकेंड्स के लिए। अभी फिलहाल मैंने 30 सेकेंड्स के लिए ऑन किया है माइक्रोवेव मोड पे। सो ये होता है तब तक। ये देखिए मेरे इसमें ये सबसे बड़ा वाला था जिस पर लिखा है 250 ml, ठीक है। हम इस कप से बना रहे हैं, इस पर लिखा है 125 ml, तो आप इसको 1 कप बोलो, 1/2 कप बोलो, वैसे ये 1/2 कप है लेकिन हम इसी से यूज करके बना रहे हैं, तो यू कैन कॉल इट 1 कप एज वेल, ठीक है। जो भी नए लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो। अभी 30 सेकेंड्स हो गया है, ये 30 सेकेंड के बाद हम इसको निकालेंगे बाहर, स्पून और मिक्स। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे तो पता है कि कितने टाइम में क्ले पक जाएगी, लेकिन अगर आप इकट्ठा उतने टाइम के लिए डाल दोगे, मान लो मैं 1.5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए इकट्ठा डाल दे रही हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि अंदर लम्स हो जाए, वो मिक्स नहीं होगा प्रॉपरली, फिर वो लम्स आ जाएंगे। इसीलिए इसको एवरी 30 सेकेंड्स इनिशियली एंड देन वी कैन चेक एवरी 15 सेकेंड्स इंटरवल। सो मैं दोबारा रख रही हूं इसको, अगेन 30 सेकेंड्स के लिए रख रही हूं मैं फिलहाल, क्योंकि मेरा नापा हुआ है तो मुझे पता है कि 30 सेकेंड्स और लगेंगे करके। सो दैट इज ये, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हो। और लमासा क्ले इतने लोगों ने बनाई है, आज ही रीता जी ने बनाई है, उनका पहली बार ही बिगड़ गया था लेकिन सेकेंड टाइम बहुत अच्छा बना है। मैं फिर भी शेयर करूंगी उनका भी। सो एक हाथ बार हो भी सकता है पहले पहले जब आप बनाओ तो बिगड़ जाए। हाय प्रतिमा प्रतिष्ठा जी, राइट। सी अभी ना ये थोड़ा हार्ड हो गया है, ये देखो आप देख रहे हो ऐसे, पहले ये फ्लोई था, अभी ये फ्लोई नहीं है। हम इसको दोबारा से ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से, जितना कर सकते हैं उतना। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, और तीसरी बार मैं ये थर्ड टाइम इसको माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूं, अगेन फॉर द 30 सेकेंड्स। यानी 30 30 30, अभी 90 सेकेंड्स हो गया है ये। सो अगर रेसिपी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई करिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया था, मैं कुछ ज्वेलरी बना रही थी क्ले की, तो उसके लिए मैंने लीव्स बनाए हैं, पेटल्स बनाए हैं, तो मैं दिखाऊंगी उसका भी डेमो। इट इज कम्प्लीटली फ्लेक्सीबल, अभी ये ऐसे जम गया है, ठीक है। ओवन नॉट देयर मीन्स, अगर ओवन नहीं है तो गैस पे पका लीजिए। ये देखो ये खुद ही ऐसे, देखो ये ऐसे हो गया है अभी,
ठीक है, मैं इसको 5 सेकंड के लिए और रख रही हूं ताकि ये जो है साइड में जो लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा, वो जो लूज मटेरियल है वो भी थोड़ा सा टाइट हो जाए. ओनली फॉर 5 सेकंड्स आई एम कीपिंग इट इनसाइड. सिर्फ 5 सेकंड के लिए रखूंगी मैं इसको अंदर. ठीक है, बोलिए. हां जी चैत्रा जी, एकदम करेक्ट बोला आपने. हम लमासा क्ले के लिए सिर्फ 30-30 सेकंड्स को 2 टाइम्स के लिए रखते हैं एंड इट इज डन. हाँ जयश्री जी, आप वीडियो एक बार दोबारा से देखिएगा, मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी. अभी हम लोग जब निडिंग करेंगे, मैंने 15 सेकंड्स किया है अभी, देख पा रहे हो यहाँ पे. 30 सेकंड्स में से भी 16 सेकंड्स बाकी है, मतलब 14 सेकंड्स ही किया है मैंने. वैक्स की जरूरत नहीं है नीलजा जी, वैक्स की जगह आप कैंडल ले लीजिए, कैंडल तो इजीली अवेलेबल है. और ग्लिसरीन के बिना नहीं होगा. ग्लिसरीन एक्चुअली गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द क्ले, सो ग्लिसरीन इज मस्ट. आप कुछ भी डाल लो नीचे, लोशन डाल लो या कुछ भी डाल लो, वैसलीन लगा लो नीचे. हमने तो सिर्फ इसको नीड ही करना है, तो मैंने ग्लिसरीन लिया है तो अपने ग्लिसरीन ही ले लेती हूँ. ठीक है, सो दिस वे. और ये क्ले बहुत गर्म रहेगा पहले, तो आराम से निकालेगा. फूड रखने के लिए कौन सा क्ले बनाऊं? लमासा क्ले बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, लेकिन नहीं, लमासा क्ले वुड बी मच बेटर. ये देखो, ये पूरा ना बाउल से ऐसे निकल के आ गया है, देख पा रहे हो, पूरा निकल के आ गया. खुद ही मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी तो ऐसे चम्मच भी नहीं चलाया, अब चला रही हूं जो लगा है वो निकालने के लिए, लेकिन वैसे वो खुद ही निकल के आ गया है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू नीड इट राइट नाउ. चाहे आपको गर्म लगे, चाहे आपको चटके लगे या कुछ भी लगे, आपने इसको अभी ही नीड करना है, वो भी अच्छे से. क्यों? क्योंकि हमने इसमें वैक्स ऐड करी है. हमारे यहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत उबलता हुआ घर है, तो गर्मी बहुत होती है यहाँ नागपुर में. लेकिन आपके लिए अगर आप थोड़ा भी ठंडे क्लाइमेट में रात के टाइम वगैरह बना रहे हो, तो आप इमिजिएटली उसको नीड कीजिए. आप ग्लव्स पहन सकते हो, आप मोल्डेड भी यूज कर सकते हो. सोनल जी, मोल्डेड से भी बहुत अच्छे से बन जाता है. और देखो, कुछ भी नहीं चिपक रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, सी, कुछ भी नहीं चिपक रहा है, ना मेरे हाथों को ना ये जमीन को. ऐसी ही क्ले आपको समझ गया, मतलब अगर आपकी क्ले ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, देन यू कैन से कि आपका क्ले बहुत अच्छा बना है. ठीक है, बट वाइल हैंडलिंग दिस क्ले, बिग हाई टू ऑल 93 पीपल आर वॉचिंग, सो थैंक यू, वेलकम टू आरती क्रिएशन. और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शो मी सम लव, शेयर कीजिए. जस्ट टेक अ मोमेंट एंड शेयर इट. अच्छे से नीट कर लीजिए इसको. गर्म होगा थोड़े हाथ, तो आपको लगता है चटका, बट दैट्स ओके. ये देखो, थैंक यू प्रतिमा जी. ये देखो, ये क्ले बन गया आपका. ठीक है, अब इसको 2 मिनट हम ठंडा भी होने दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इमिजिएटली इसको एक एयर टाइट कंटेनर में पन्नी में पैक रख के या क्लिंग रैप जो भी आपके पास है अवेलेबल, उसमें आप डाल सकते हो. और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है इस क्ले के साथ काम करने की, वो ये है कि आप इसको ना बहुत ऐसे हवा मत लगने दो. हवा लगने से क्या होता है ना, मतलब आप बना रहे हो
तो आप 3-4 बार सेम क्ले से अगर शेप बना रहे हो बार बार बिगाड़ बिगाड़ के, तो क्ले थोड़ी खराब हो जाती है, फिर वो थोड़ी दरदरी सी हो जाती है। हेलो दीपिना जी, हेलो गीता जी। सो ये है क्ले बन गया, मैं इसको 1 सेकंड पन्नी में रख देती हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, थैंक यू लीना जी। अभी आप शेयर कर दीजिए, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। सो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्ले के साथ, एंड ट्रस्ट मी, ये क्ले अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। जयश्री जी, वीडियो रहेगा मेरे पेज पे। सी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि लमासा क्ले उनका कुछ हो गया है या ब्रेक हो रहा है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन वन मोर टाइम। जब भी आप क्ले, मान लो मैंने ये क्ले निकाली है अभी, जस्ट आपके सामने पन्नी में से निकाली है, आप उसको ना अच्छे से नीड करो पहले, अच्छे से, जितना अच्छे से आप उसको नीड करोगे। अगर आप इसको नीड नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आप उससे चीज बना रहे हो, उसमें क्रैक आने के पूरे चांसेस होते हैं। सो अगर आपको वो क्रैक नहीं चाहिए और अच्छा भी लगता है ना क्ले को ऐसे हाथ में आप कीजिए, सीरियसली इट फील्स वेरी गुड। सो ऐसे अच्छे से जब भी आप क्ले निकालो यूज करने के लिए, सी आप पहले ना इसको ऐसे कीजिए अच्छे से। हेलो वन्नु जी, हेलो नविता जी, ऐसे अच्छे से मिक्स कीजिए एंड देन स्टार्ट वर्किंग विथ इट। आई एम श्योर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप पूरी रेसिपी फॉलो कर रहे हो प्यार से जैसे मैंने बताया है वैसे, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा आपके क्ले को। अगर आपको ध्यान हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, लेकिन मैंने एक रोज मेकिंग सेशन लिया था और वो येल्लो क्ले से ही बनाया था, एंड हियर यू कैन सी, मैं आपको उसी दिन की क्ले बता रही हूं अभी। ओके, लेट्स फॉरगेट, आई विल टेक वैसलिन। सी थोड़ा सा ऐसे मैंने ये वैसलिन लगाया और ये क्ले निकाली, और ये उसी दिन की क्ले है मेरी। सी कुछ नहीं हुआ है इस क्ले को, उसी दिन की रखी हुई क्ले है मेरी। अगर आप क्ले को अच्छे से कुक करते हो और यूज करने के पहले उसको अच्छे से कंडीशन करते हो, तो आपकी क्ले को कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हो ये मेरी येलो क्ले, पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा। रोज फ्लावर जो है मैंने इसी येलो क्ले से बनाया था। हेलो गीता जी, हेलो रेशमा जी। सोसी ये क्ले आज भी उतनी ही सॉफ्ट है। हेलो अनीता जी, ना इसमें कुछ ये है क्या बोलेंगे उसको, ना ही तो कोई चिपचिपापन है और ना ही कोई काम करने में आपको दिक्कत जाएगी। सी इट इज एज सॉफ्ट। थैंक यू सो मच गीता जी। हेलो चेतना जी। सो सी आप ऐसे काम कर सकते हो। हाँ बट मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जब भी आप क्ले से काम कर रहे हो तो थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फैन शुरू रख के काम करते हो तो क्ले को ड्राई होने में जरा टाइम नहीं लगता और वो इजीली आपकी क्ले खराब हो जाएगी। नाउ आई विल शो यू, ये देखो लीफ, ये क्ले के ही बने हुए हैं, मैंने फ्लेक्सिबल क्ले से ही बनाए हैं। मैं कुछ मैंने बताया मैं ज्वेलरी बनाने वाली थी। थैंक यू उपासना जी, डू ट्राई दिस क्ले एज वेल, ये फ्लेक्सिबल क्ले है और ये भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो सी मैंने इसको पूरा फोल्ड कर दिया है, लिटरली पूरा, आप देख सकते हो ये पूरा फोल्ड कर दिया है। रेशमा जी ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, लाइक बनाने के बाद, ये मैंने 2 दिन पहले बनाए थे तो 24 आवर्स में वैसे तो ड्राई हो जाते हैं,
बट अगर आप बनाने के वक्त की बात बोल रहे हो तो हार्डली 5 to 10 minutes बाद, 10 minutes के बाद ये क्ले उतना काम करने लायक नहीं रह जाती। मतलब आपने लिया, बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, तो चौथी बारी आपका नहीं बनेगा अच्छे से, फिर आपको उस क्ले को डाल ही देना है। और वो भी एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। सी, ये मेरे बच्चों को मैंने दिया था और उन्होंने इस क्ले के साथ देखो क्या कर दिया, ये हो गया है इस क्ले के साथ। अब इट इज नॉन यूजेबल, आप इससे कुछ भी बनाओ। हाँ, आप अगर मोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो जो आपने इसको इनसाइड डालने हैं, मतलब इसके ऊपर आप कुछ कोटिंग करने वाले हो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ये क्ले कुछ अच्छा फ्लावर वगैरह बनाने के लिए यूज करनी है, तो आप देख रहे हो इतनी दर्दरी दिख रही है, आप इसको यूज ही नहीं कर सकते, आप इससे अब कुछ बना ही नहीं सकते। हाँ जी डोरोथी जी, बिल्कुल मैं ज्वेलरी बनाने के बाद पेज पे शेयर करूंगी, मैं बनाने ही वाली थी बट यू नो टाइम थोड़ा ये हो गया। अभी उसके पार्ट्स बन गए हैं, असेंबलिंग बाकी है। सो दैट इज, थैंक यू सो मच, ये हमारी क्ले बन गई। एंड यू कैन सी आई हैव ट्राइड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, नो वन, ये आपके पहले वाला है, ये अभी वाला है, ये उससे पहले वाला है, और ये उससे भी पहले वाला है। सो आपकी क्ले को कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ रेसिपी शेयर करने के लिए टाइम इसलिए लिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी श्योर कि कौन सा प्रपोर्शन एग्जैक्ट काम करेगा हमारी क्ले के लिए। आई वॉन्टेड टू शेयर द क्या बोलेंगे हम, एकदम परफेक्ट रेसिपी। और आप डेफिनेटली ये क्ले बनाइए, ये इतना ही फ्लेक्सिबल बनेगा। देखो पूरा मोड़ दो और सीधा कर लो, कुछ नहीं हो रहा है इसको, और बनाने के बाद इसको वॉर्निश कर दो, एकदम अच्छा बनेगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, तो हमको भी मोटिवेशन होता है थोड़ा। एंड ओके, सो बाय बाय। एंड यस, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, आई विल शो यू वन मोर टाइम। सी, दिस इज बुद्धा, ये टेक्सचर्ड बुद्धा है पूरे, आप अगर देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं, मैंने पिक शेयर किया है, आप जूम करके देखिएगा। सी, क्ले बनाने के बाद मैंने हाथ भी नहीं धोए, मेरे हाथ एकदम क्लीन हो गए, मतलब गंदे ही नहीं हुए तो क्लीन कैसे होंगे। सो सी, दिस इज बुद्धा, ये है पूरा टेक्सचर्ड है, आप जूम इन करके देखिएगा पिक को, एकदम फाइन डिजाइन है अंदर, और फॉइल वर्क है, और बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आई एम श्योर अगर आप बनाएंगे ये तो घर वाले पक्का बोलेंगे कि हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है करके। थैंक यू जयश्री जी। एंड सेकेंड पीस इज दिस लॉर्ड शिवा, ये दोनों भी एकदम अलग है, एकदम अलग है ये दोनों भी, बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, इनका टेक्सचर अलग है, इनका बनाने का तरीका अलग है। एंड एज आई टोल्ड कि मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपका बनेगा, आई एम स्ट्रेसिंग अगेन, जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपका बनेगा, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सो ज्वाइन कीजिए आप लोग इसको और सीखिए, बनाइए, घर वालों को भी खुश करिए और खुद को भी खुश करिए। सो इट्स टाइम टू से थैंक यू डोरोथी जी, थैंक यू चेतना जी, थैंक यू अनु जी। ओके, सो डू शेयर अ वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बाय बाय।